आपका भाई पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। साल में एक आधी बार ऐसा मौका होता है, जैसे श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी या दशहरा वगैरह, तो सनातन धर्म सभा की ओर से भी समाज को कुछ संदेश देने का मन में रहता है। ऐसा कि अब 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है और 6 सितंबर को एक भव्य शोभा यात्रा जम्मू महानगर के अंदर होगी। अब ये विषय आता है कि भव्य शोभा यात्रा क्यों, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाना, तो बंधु ऐसा है कि त्रेता युग में भगवान राम ने राक्षस शक्तियों का विनाश करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था और फिर रावण को रक्त स्नान करा के उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में कंस जैसे अनेक राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने जन्म भले ही मथुरा की जेल में लिया था, परंतु सारा जीवन गोकुल में गाय चराते हुए बिताया। लक्ष्य क्या था कि साधारण नागरिक, आम शांति प्रिय नागरिक सुख से जी सके, शांति से जी सके और राक्षस वृत्ति के लोग, सत्ता लोलुप लोग जो हैं उनको समाप्त किया जा सके। भगवान राम ने भी 14 वर्ष यही किया और भगवान कृष्ण ने भी द्वापर युग में यही किया। इसलिए ये जो शोभा यात्रा है ये एक माध्यम होती है समाज को एक संकेत देने का कि ये समाज जो है बड़े शांति के साथ, आनंद के साथ अपने धर्म और अपने जीवन मूल्यों का पालन करते हुए आनंद से जिए। इस संसार के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहने वाले हैं, उनका विनाश होने वाला है और अंत में धर्म की स्थापना होती है। भले ही मथुरा के राजा उग्रसेन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थे, लेकिन उनका बेटा कंस बड़ा सत्ता लोलुप और राक्षस प्रवृत्ति का था। सत्ता और राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता को उसने बंदी बना करके मथुरा के राज्य पर बैठ गया था। और जब उसको ये पता चला कि उसकी बहन देवकी के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान उसका विनाश करेगी, तो उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, अपनी बहन और बहनों को। परंतु भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जब कृष्ण ने जन्म लेना था तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए समाज को ये विश्वास चाहिए कि हर संकट की घड़ी में भगवान उनके साथ है। यदि उन पर समाज को उन पर विश्वास है, भरोसा है, तो भगवान विष्णु ने देवकी को कहा कि मैं आपके गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। ठीक इसी समय गोकुल के अंदर नंद बाबा और यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म होगा, उसे आप ले आइए और मुझे वहाँ छोड़ देना जाकर। और वसुदेव ने ऐसा ही किया। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ सब ताले खुल गए, सब पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए और वसुदेव यमुना को पार करके भगवान कृष्ण को गोकुल में जाकर नंद के घर छोड़ा और उस लड़की को ले आए। जैसे ही कंस ने उस लड़की को मारना चाहो आकाश में चली गई, उसने घोषणा की कि कंस तेरा विनाश करने वाला तो गोकुल पहुंच गया है। कंस ने अनेक राक्षस भेजे उसका विनाश करने के लिए, भगवान कृष्ण कूतना को ही भेजा, परंतु भगवान कृष्ण ने सबका विनाश करके अंत में उस राक्षस प्रवृत्ति के कंस का विनाश किया। इसलिए आज मैं सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को, देशवासियों को, विश्व के अंदर रहने वाले कृष्ण भक्तों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि वह जहाँ जहाँ भी हैं बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, धर्म के साथ धार्मिक जीवन एक सांस्कृतिक सनातन समाज के अंतर्गत जिए। विनाश करने वाली दुष्ट शक्तियों का विनाश होता है, अंत में विजय धर्म की होती है, विजय शांति की होती है। इसलिए सब लोगों से आह्वान है कि 6 सितंबर को गीता भवन के अंदर 2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे जहाँ पर भगवान कृष्ण का पूजन होगा, जहाँ से रथ चलेगा, लगभग 35-40 के करीब झांकियाँ इस बार रहेंगी। रथ शालामार से होते हुए रघुनाथ मंदिर पहुँचेगा, वहाँ भगवान राम का रथ भी आएगा, फिर रेजिडेंसी रोड कनक मंडी से होते हुए सीढ़ी चौक, पुरानी मंडी, लिंक रोड, जैन बाज़ार, पक्काडंगा से होते हुए वापस रथ रघुनाथ मंदिर पहुँचेगा। उसमें सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने और भगवान कृष्ण का ये उपदेश जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब लोग सुखी से जिए, सब आनंद से जिए, उस संदेश को स्मरण करते हुए अपने जीवन के अंदर खुशी खुशी निर्वाह करें और धर्म जागृति करें।